नमस्कार दोस्तों ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले शनिवार को ही लोकसभा चुनाव के लिए अपने एक सौ उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी और तब ये सवाल उठे थे कि जो बाकी के दल हैं खास तौर से कांग्रेस पार्टी वो क्या कर रही है और राहुल गांधी पर भी सवाल खड़े हुए थे और केवल मीडिया के एक पार्ट के द्वारा खड़े किए गए ऐसा नहीं है जो इनके सहयोगी दल हैं या रहे हैं उनके नेताओं की तरफ से भी प्रश्न खड़े किए गए थे कि ऐसे समय जबकि सब पार्टियां शीर्ष स्तर पर प्रायोरिटी पर सर्वोच्च प्राथमिकता पर कैंडिडेट के लिए मंथन कर रही है तब राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो जोड़ने के अभियान में लगे हुए हैं और एक के बाद जो कंट्रोवर्सियां वो तो है ही पर चलिए देर आए दुरुस्त आए लेकिन सवाल तो अब भी उठेंगे कि इतनी कवायद के बावजूद इतनी देरी के बावजूद और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले पिसड़ जाने के बावजूद केवल उनतालीस सीटों के लिए प्रत्याशी आप घोषित कर रहे हैं और इन उनतालीस सीटों के लिए जो उन्होंने ये प्रत्याशी घोषित किए हैं ये लगभग सभी या तो पूर्वोत्तर के हैं या दक्षिणी राज्यों के हैं उत्तर भारत के किसी भी राज्य की किसी भी सीट के लिए अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है छत्तीसगढ़ में जरूर घोषणाएं हुई हैं और बाकी कर्नाटक है केरल है जो दूसरे राज्य हैं पूर्वोत्तर के मेघालय से लेकर के दूसरे उनके लिए प्रत्याशी घोषित किए गए हैं छत्तीसगढ़ का जिक्र मैंने इसलिए किया है कि जो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव लड़ने के अनिच्छुक थे और जिनका ये कहना था कि साहब मुझे आप एक सीट तक क्यों सीमित कर देना चाहते हैं मैं तो सभी क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करना चाहता हूं और कई सीटें कांग्रेस को दिलाना चाहता हूं लेकिन बताते हैं कि उनको ये कहा गया कि साहब आपका चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है ताकि हम जो दूसरे अनिच्छुक हैं यानी कांग्रेस के भीतर चुनाव ना लड़ने की इच्छा रखने वालों की संख्या बहुत बड़ी है और इनमें दिग्गज हैं, जो कई राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं अलग अलग समय पर ऐसे लोग हैं जो लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते हैं और चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं ये आप हम सब जानते हैं और वो भी जानते हैं और जानता तो कांग्रेस का नेतृत्व तो भी है के सब चुनाव से क्यों भागने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का मुकाबला क्यों नहीं करना चाहते हैं प्रत्याशी तो प्रतीक मात्र हैं जो नरेंद्र मोदी की लगातार तीसरे लोकसभा चुनाव में भी एक आंधी चल रही है तूफान चल रहा है उसके सामने कोई खड़ा भी नहीं होना चाहता है सबको दिखाई दे रहा है कि इस बार तो 2019 से भी प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिलने जा रहा है अब आप देखिए कि भूपेश बघेल की के नाम की घोषणा राजनंदगांव से हो गई है इससे पिछले दो चुनाव जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है बल्कि 2009 में भी संभवतः भारतीय जनता पार्टी ही जीती थी तो लगातार वहां से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और ठीक ठाक अंतर से जीत रही है तो वहां से मुख्य पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मैदान में उतार दिया गया है इसी तरह का प्रेशर जो है वो मध्य प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों यानी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों पर बनाया जा रहा है और इस बात के तो खैर आसार हैं कि दिग्विजय सिंह फिर से भोपाल से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जहां से पिछली बार साध्वी प्रज्ञा ने उनको अच्छे खासे मतों से परास्त किया था लेकिन कमलनाथ के जो करीबी सूत्र हैं उनका कहना ये है कि कमलनाथ कहाँ से लड़ेंगे क्योंकि उनके बेटे नकुलनाथ तो छिंदवाड़ा से लड़ने की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं तो ऐसे में कमलनाथ कहां से लड़ेंगे और कमलनाथ लड़ने के इच्छुक भी नहीं बल्कि हकीकत तो ये है कि दोनों बाप बेटा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते थे वो तो अटैची तैयार करके दिल्ली पहुंच गए थे विमान लेकर के वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उनको लेने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि पार्टी के भीतर से ही विरोध शुरू हो गया था खास तौर से उन्नीस के सिख विरोधी दंगों में जो कमलनाथ के ऊपर आरोप लगे हुए हैं उसको लेकर के जो पार्टी के भीतर सिख हैं और दूसरे लोग भी हैं उन्होंने इसका विरोध किया कि कमलनाथ को लेने से भारतीय जनता पार्टी को हासिल तो कुछ नहीं होने वाला है नुकसान अधिक हो जाएगा हालांकि ये कहने वाले भी कम नहीं है कि पंजाब हो दिल्ली हो दूसरी जगह हो जो सिख वोट हैं जो पंजाबी वोट हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिलते ही कितने हैं क्योंकि कोई ना कोई पर्दे के पीछे से कुछ ना कुछ ऐसी साजिशें शुरू कर देता है जब जब उनका मानस बनता है भारतीय जनता पार्टी के लिए या अंतर्राष्ट्रीय स्तर से यूएस में यूके में कनाडा में ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए कुछ तत्व हैं जो खालिस्तान का मूवमेंट चला रहे हैं वो भड़का देते हैं एक ऐसा माहौल बना देते हैं कभी वो तेरह महीने का किसान आंदोलन के नाम पर यहाँ जमावड़ा हो जाता है अभी शंभू बॉर्डर पर आप देख रहे हैं खनौरी बॉर्डर पर और उधर सिरसा बॉर्डर पर देख रहे हैं जो इन लोगों ने बवाल काटा हुआ है तो इस तरह का माहौल बना दिया जाता है तो ना कमलनाथ लड़ने के इच्छुक न भूपेश बघेल लड़ने के इच्छुक थे ना अशोक गहलोत लड़ने को तैयार अशोक गहलोत को भी कहा जा रहा है कि ये बहुत विपरीत काल में विपरीत परिस्थितियों में और कांग्रेस के लिए तो संकट काल है आर्या पार की लड़ाई है करो या मरो की लड़ाई है तो ऐसे में आपको चुनाव लड़ना चाहिए लोकसभा चुनाव और इससे जो बाकी के हमारे प्रत्याशी होंगे राजस्थान में उनका भी मनोबल बढ़ेगा वो भी थोड़ा सा ताकत हासिल करके और जोरदार तरीके से लड़ने की कोशिश करेंगे पर बताते हैं कि अशोक गहलोत ने तो कह दिया है कि वो तो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं उनके बेटे को ही टिकट दीजिए पिछली बार भी उनके बेटे ही जोधपुर से लड़े थे इसी तरीके से सचिन पायलट को भी कहा जा रहा है कि आप चुनाव लड़िए सचिन पायलट का भी यही तर्क है कि किसी एक लोकसभा क्षेत्र में आप मुझे सीमित करके रख देंगे तो मैं जो तीन चार और सीटों के लिए प्रयास कर सकता हूं पार्टी के लिए वो एक सीट तक मेरा सीमित होकर के रह जाएगा लेकिन कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि जितने दिग्गज हैं अलग अलग राज्यों में उन सबको चुनाव मैदान में उतारा जाए और राजस्थान का पड़ोसी और दिल्ली का भी पड़ोसी हरियाणा ही ले लीजिए हरियाणा और महाराष्ट्र दो ऐसे राज्य हैं जहां लोकसभा चुनाव से छह महीने के भीतर ही विधानसभा के चुनाव भी हो जाते हैं अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा इस समय राज्यसभा के सदस्य हैं जब वो पिछली बार दो हजार में रोहतक से चुनाव हार गए थे करीब सात साढ़े सात हजार वोटों के अंतर से तो उसके बाद फिर उनको राज्यसभा में भेज दिया गया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सोनीपत से एक लाख पैंसठ हजार के वोटों के अंतर से चुनाव हारे थे इस बार फिर उनको कहा जा रहा है कि चूंकि हमें सीटें लेनी हैं और जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार परफॉर्मेंस किया था यानी दस की दस सीटें जीत ली थी कम से कम इस बार वैसा परफॉर्मेंस तो उसका ना रहे पर सुनते हैं कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों का हवाला देकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है और ये तो आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र के एक प्रमुख चेहरे और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान पार्टी छोड़ चुके हैं इसके अलावा मिलिंद देवड़ा भी पार्टी छोड़ चुके हैं और कांग्रेसियों की तो बहुत लंबी एक सूची है जिन्होंने पार्टी पदों से विधायक के पद से सांसद के पद से इस्तीफा दिया यहां तक के सी डब्ल्यू सी भी छोड़ दी और वो भारतीय जनता पार्टी का रुख कर गए या किसी दूसरे दल का रुख कर गए तो कांग्रेस पार्टी के भीतर एक हड़कंप है और एक इनसिक्योरिटी का माहौल है उनको नहीं लगता है कि इस बार भी यानी 2024 में भी वो नरेंद्र मोदी की जो वेव चल रही है आंधी चल रही है इसका सामना करने में सक्षम है और ये जो निराशा का भाव है ये जो हड़कंप है जो जो रणछोड़ वाली जो मानसिकता है इसकी सबसे बड़ी वजह तो खुद कांग्रेस का नेतृत्व है अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अगर सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव ना लड़ने का ऐलान करती हैं और राज्यसभा में चली जाती हैं राजस्थान से तो इसके मैसेज क्या जाएंगे कांग्रेस पार्टी के भीतर बाकी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में इसी तरीके से जो पहली सूची आई है उनतालीस प्रत्याशियों की उनमें राहुल गांधी का का तो कैंडिडेटर जो है वो घोषित कर दिया है कि वायनाड से ही लड़ेंगे लेकिन ये नहीं बताया गया है कि वो अमेठी से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे इसके अलावा एक और दिलचस्प घटना है घटना ये है कि प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी भी या नहीं लड़ेंगी और लड़ेंगी तो कहाँ से लड़ेंगी इसके भी कोई संकेत नहीं है अभी तक अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और जो दूसरे एम के घटक दलों के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की जो एक में सदस्यों की लिस्ट आई थी उसमें चुकी अभी महाराष्ट्र को छेड़ा ही नहीं गया है वहां के वहां अभी जो सहयोगी गठबंधन दल हैं उनसे अभी चर्चा होनी है बल्कि जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय अमित शाह के यहाँ मीटिंग चल रही है जिसमें देवेंद्र फडणवीस भी हैं जिसमें अजीत पवार भी हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी हैं और इस बैठक में तय होगा कि भाई क्या फार्मूला करना है किसको कितनी सीटों पर लड़ना है तो महाराष्ट्र चूंकि अभी फाइनल ही नहीं हुआ है कि कौन सा घटक दल कितनी सीटों पर लड़ेगा इस नितिन गडकरी का नाम घोषित नहीं हुआ था पर उसको इन लोगों ने पकड़ लिया और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी में नितिन गडकरी को किनारे लगाने की कोशिशें हो रही हैं उद्धव ठाकरे ने तो यहां तक ऐलान कर दिया कि साहब नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें और एम के टिकट पर जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़े अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और पर्दे के पीछे क्या क्या रणनीतियां चल रही हैं या किसके खिलाफ क्या साजिशें चल रही हैं उसको अगर हम किनारे लगा भी दें तो भारतीय जनता पार्टी की एक की लिस्ट में पार्टी के दूसरे तमाम वरिष्ठ नेता जिन जिन राज्यों की घोषणा हुई है अभी तक टिकटों की उनमें वो सब समाहित हैं ऑलरेडी प्रधानमंत्री भी राजनाथ सिंह भी तमाम लोग उसमें शामिल हैं अब अगर प्रियंका गांधी वाड्रा इन उनतालीस की पहली लिस्ट में नहीं है तो जो अफवाह नितिन गडकरी के बारे में उड़ाई जा रही है क्या वही पैरामीटर वही मानदंड प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी लागू होंगे ये महाराष्ट्र के नेताओं को भी तय करना पड़ेगा और जो दिल्ली में बैठे हुए हैं जिनको हम इकोसिस्टम और लुटियन मीडिया कहते हैं उनको भी तय करना पड़ेगा क्योंकि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव लड़ना ही है और सोनिया गांधी की छोड़ी हुई सीट राइबरेली पर ही लड़ना है तो फिर उनके नाम की घोषणा कर दी जाती जैसे राहुल गांधी की केरल से वायनाड से कर दी गई है तो अभी भी प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर के जो परसेप्शन है लोगों में एक तो ये है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच में सब कुछ ठीक ठाक चल नहीं रहा है इस बार की इस जोड़ो यात्रा में भी वो काफी लेट शामिल हुई हैं और बस एक दिन या दो दिन के लिए वो गई थी जब उत्तर प्रदेश में ये सब यात्रा चल रही थी मध्य प्रदेश जाने वाली थी दूसरे ये भी कहा जा रहा है कि जो इस समय वेव चल रही है जिस तरह के ओपिनियन पोल और दूसरे सर्वे आ रहे हैं उसमें जो ये जानकारी दी जा रही है कि इस बार भी नरेंद्र मोदी की ही वेव है उन्हीं की आंधी चल रही है और इस बार तो रायबरेली भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि वहां के कम से कम तीन चेहरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए हैं ऐसे में सुनते हैं कि वो भी डेड श्योर नहीं है कि चुनाव लड़े या नहीं लड़े क्योंकि पहला ही चुनाव लड़े और पहला ही चुनाव हार जाए ये तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी नहीं जाएंगे इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि अमेठी से कौन लड़ता है रायबरेली से कौन लड़ता है राहुल गांधी इस बार अमेठी आते हैं या छोड़ देते हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा भी रायवैली से चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटा पाती है या नहीं जुटा पाती है अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेयर भी करें अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार